दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 21 दिन का हो गया लॉकडाउन और इन 21 दिनों को यूटिलाइज करने के लिए मैं आपको दूंगा 21 ऐसे टिप्स जिनको अप्लाई करके आप अपना दिन भी स्पेंड कर सकते हो, टाइम पास भी कर सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो जो नंबर वन टिप्स मैं आपको दूंगा वो है वर्कआउट एट होम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेरी हालत देख रहे हो यार, तोंद आ गई है और चेहरे पे चर्बी लटक रही है। तो दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं 21 दिनों में करने वाला हूँ घर पे ही एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। तो आई होप आप लोग भी जहाँ कहीं भी हो डेली एक्सरसाइज करोगे और अपनी फिजिक का ध्यान रखोगे। दोस्तों, जो सेकंड टिप्स मैं आपको दूंगा वो है रीड गुड बुक्स। जी हाँ दोस्तों, आप अपना टाइम पास करने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। लाइक बायोग्राफी पढ़ो बहुत अच्छे लोगों के जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा नाम किया है और देश विदेश के लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं। नंबर थर्ड टिप्स मैं आपको दोस्तों दूंगा, क्योंकि हम इतने बिजी डे टू डे लाइफ में रहते हैं, अपने पुराने मित्रों को भूल जाते हैं, पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, तो ये सही समय है उन्हें याद किया जाए। जी दोस्तों, उन्हें फ़ोन कीजिए और उनसे कीजिए बातें, इसे उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपका भी होगा बहुत अच्छा टाइम पास। तो दोस्तों, जो मैं फोर्थ टिप्स आपको देने वाला हूँ, ये टिप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग सीखो कुकिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सीख सकते हैं कुकिंग, और मुझे तो कुकिंग आती है तो मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग सीख सकते हो। और ऐसा कहा भी गया है कि जिन्हें कुकिंग आती है ना, उन्हें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो अगर आप होना चाहते हो लड़कियों के करीब तो सीख लीजिए कुकिंग। तो दोस्तों, फिफ्थ टिप्स जो मैं आपको दूंगा वो है वॉच महाभारत और रामायण सीरीज। जी हाँ दोस्तों, बचपन के बाद आज तक हमने शायद महाभारत और रामायण नहीं पढ़ी है, तो ये सही समय है जब हम महाभारत को ना केवल पढ़ सकते हैं बल्कि उन्हें देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, जो सिक्स्थ टिप मैं आपको दूंगा वो है अपना घर साफ सुथरा रखिए। तो यस दोस्तों, आप अपने घर में अपने मम्मी के, अपने सिस्टर की या अपने भाई के, जो कोई भी आपके घर में काम करता है उसकी हेल्प कर सकते हो, और घर के जो पुराने कपड़े होते हैं, बेडशीट्स होती है, उन्हें धो सकते हो। गलीचे इतने बड़े बड़े होते हैं, उन्हें धो सकते हो। तो दोस्तों, जो सेवन्थ टिप मैं आपको दूंगा वो शायद जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सीख सकते हो इंडिया का, हिमाचल का या डिफरेंट स्टेट का या वर्ल्ड का मैप। तो दोस्तों, इंडिया, हिमाचल और इंडिया का मैप डेफिनेटली सीखो, ये आपके एजुकेशन पर्पस से भी बहुत सही है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत बढ़िया हो सकता है। तो दोस्तों, जो मैं आपको एट्थ टिप्स दूंगा वो है लर्न फ्रॉम योर चिल्ड्रन। दोस्तों, सभी के घर में कोई ना कोई बच्चे तो होंगे ही डेफिनेटली, तो आप उनसे सीख सकते हो आर्ट एंड क्राफ्ट या उन्हें सिखा सकते हो आर्ट एंड क्राफ्ट। तो दोस्तों, जो नाइन्थ टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है एक्सप्लोर सम गुड वेबसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको है ट्रैवल का शौक या टेक्नोलॉजी का शौक या जो कुछ भी शौक, तो आप उनकी डिफरेंट वेबसाइट्स चेक कर सकते हो और वहाँ से चीज़ों को सीख सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, जो टेंथ टिप मैं आपको दूंगा वो है इम्प्रूव योर स्किल। जो कोई भी आपके पास स्किल है, कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई पोइट्री बहुत अच्छा करता है, तो इसे कीजिए इम्प्रूव। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डिफरेंट कैटेगरीज की देख सकते हो, जो भी जिसने भी इसमें महारत हासिल की है आप उनकी वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, जो 11th टिप मैं आपको दूंगा वो है स्पेंड टाइम विद योर मदर एंड फादर। अपने मम्मी पापा और अपने फैमिली के साथ समय बिताओ। दोस्तों, नंबर 12 टिप्स इसमें है अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, उनके अनुभव को सुनो और उन अनुभव को राइट डाउन करो। दोस्तों, और लिखने की क्षमता अगर आप में है तो यू कैन अचीव मोर एंड मोर इन योर लाइफ, क्योंकि आज के ज़माने पे जो लिखता है वो बिकता है दोस्तों। तो जो 13th टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है लर्न कंप्यूटर स्किल्स। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप कंप्यूटर चलाना सीख सकते हो, अपने मम्मी पापा को भी कंप्यूटर चलाना सीख सकते हो। और दोस्तों, जो 14th टिप है वो है अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप सीख सकते हो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ब्लॉग मेकिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग घर बैठे ही। तो दोस्तों, जो 15th टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है ओल्ड मेमोरी कलेक्शन।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी एल्बम्स है या वीडियोस है तो आप उन्हें देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी भी मेमोरी हो जाएगी रिकलेक्ट। तो दोस्तों, जो 16वां टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मूवीज जो आप देख चुके हो। जितनी भी आपने मूवीज आज तक देखी है उनकी लिस्ट बनाओ दोस्तों, यकीन मानो बहुत अच्छा टाइम पास है और आपको लिखने की आदत भी हो जाएगी। अगर आपको ये बाद में जब आप पढ़ लोगे तो आपको एहसास होगा यार इतनी ज़्यादा मूवीज क्या मैं देख चुका हूँ। तो दोस्तों, जो 17वां टिप है वो है होम गार्डनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे कर सकते हो गार्डनिंग, अपने घर को सुंदर बनाओ, गार्डनिंग करो, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ, इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा और आपको भी होगा बहुत अच्छा महसूस। और दोस्तों, जो 18th टिप मैं आपको देने वाला हूँ, 18th टिप है राइट योर एक्सपीरियंस, राइट योर शायरीज, पोइट्रीज, ब्लॉग्स या जो कुछ भी आपको पसंद है उसके बारे में लिखो, एंड राइटिंग इज अ गुड हैबिट। और दोस्तों, जो 19th टिप मैं आपको देने वाला हूँ, घर के अंदर ही वर्चुअल वर्ल्ड में घूमो। वर्चुअल वर्ल्ड इन द सेंस कि आप डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। मानो आपको घूमना है कुल्लू मनाली, तो कुल्लू मनाली के बारे में आप उसकी पिक्चर्स देख सकते हो, उसकी वीडियोस देख सकते हो और एक मेंटल मेडिटेशन, एक हिसाब से मैं कहूँगा कि मेंटल रूप से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, जो 20th टिप मैं आपको देने वाला हूँ, 20th टिप है लर्न इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। आप YouTube में बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, ग्रामेटिकल चीज़ें सीख सकते हो, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख सकते हो और सीखना ज़रूरी है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको जो 21th टिप देने वाला हूँ, सभी मेरे दोस्त सोचते होंगे यार इसमें खेलने के लिए तो कुछ भी नहीं कहा गया है। तो दोस्तों, ये परफेक्ट टाइम है जब आप खेल सकते हो पबजी, लूडो, फ्री फायर एंड वॉट एवर गेम यू लाइक। और दोस्तों, जो पबजी के प्लेयर हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप वेब सीरीज भी पबजी के ऊपर देख सकते हो, दोस्ती का नया मैदान अल्टीमेट वेब सीरीज है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और आप लोग शायद पबजी खेलना और ज़्यादा शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये है 21 ऑल एक्टिविटीज़ जो मैं करने वाला हूँ और जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं आई और कौन सी चीज़ आप अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों, 21 डेज पास करो, मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।